पे बस डर है कि जिगर फिर से मुझसे नाराज ना हो जाए। फिक्र मत करिए राशिबेन, सब ठीक हो जाएगा। राशि, मैंने तुमसे ठंडा पानी डालने के लिए कहा था, ये तो सादा पानी है। घर पे ठंडा पानी नहीं है क्या? हाँ, अब ये भी मेरी गलती है। राशि, तुम्हें हो क्या गया है? तुम इस तरह से व्यवहार क्यों करी है? मैं कह देता हूँ राशि, बातों को इस तरह से गलत मतलब में मत लो प्लीज। हाँ हाँ, अब मैं ही गलत हूँ। अब घर में बर्फ नहीं है तो मैं बर्फ कहाँ से लाऊं? लेकिन नहीं, ये भी मेरी ही गलती है। मैं एक ही इंसान हूँ ना इस घर में जो गलत है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। राशि, तुम हर बात पर इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं गुस्सा हो रही हर बात के लिए? आपको आपको मुझे पे उंगली उठानी होती। घर में कुछ भी गलत हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार मैं ही होती। नहीं राशि, मेरे कहने का ये कतई मतलब नहीं था। आप छोड़िए, आपके कहने का मतलब मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। आप ये कहना चाहते हैं ना कि मैं तो घर के किसी भी काम के लायक ही नहीं हूँ, मैं एकदम बेकार हूँ। शिखर जी, आजकल आप भी बाकी घर वालों की तरह ही मुझसे व्यवहार करने लगे हैं। आप चुप हो जाइए, रोइए मत राशि बहन। ओपी, अब रो नहीं तो और क्या करूं? वैसे भी हंसने के लिए कोई कारण भी तो चाहिए ना, और आजकल तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। राशि बहन, देखिए सब ठीक हो जाएगा। आपने देवजी को ठंडा पानी क्यों नहीं दिया? वो फ्रिज में बर्फ नहीं थी इसीलिए। लेकिन राशि बहन, फ्रिज में बर्फ है। हाँ, लेकिन वो एक ही ट्रे था, वो भी आधा भरा।